भोजपुरी सुपरस्टार एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बहुत दिनों से मीडिया से गायब है। क्या वो खफा है मीडिया से, या यूं कह लें कि उन्हें अब मीडिया की ज़रूरत नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ऐसा गलत है। लेकिन यहाँ पर हम आज अक्षरा को लेकर कुछ बातें कहने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे ही सही लेकिन बात ये हो रही है कि क्या वजह है कि अक्षरा सिंह क्या किसी के दबाव में आकर मीडियाज़ में इंटरव्यू नहीं दे रही हैं, या फिर उन पर किसी का प्रेशर है कि वो मीडिया में ना आए। भैया, ये चीज़ तो मुझे कभी समझ में नहीं आई। जो बंदी अकेले भोजपुरी के इतने बड़े स्टार्स के सामने खड़ी हो गई, उसे किस बात का डर? हाँ, लेकिन यहाँ आप ये कह सकते हैं कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह के विवाद में कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह की फैमिली, फ्रेंड्स, फैंस सभी को बहुत कुछ झेलना पड़ा हो। तो इस समझदारी के चलते अक्षरा ने ये सोचा हो कि भाई, मेरी वजह से जब इतनी तकलीफ हो रही है सभी को, क्यों नहीं मैं ही स्टेप बैक ले लूँ। वैसे स्टेप बैक क्यों, इसे समझदारी ही कहेंगे कि किसी चीज़ को बेवजह तूल देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का एक कर्मा होता है। वैसे भी दुनिया गोल है या अंडाकार है, आके मिलेगी तो एक ही जगह। तो अक्षरा सिंह ने यही सोचा होगा कि उनका कर्म उनके ऊपर, यानी कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, और अपने राह चलते चलो, यानी कि कुत्ते भौंकते रहे और हाथी चलता रहे, ये वाली कहावत अक्षरा सिंह ने अपना ली है। जी हाँ, भले ही दुनिया चाहे जो भी कहे, अब मुझे वही करना है जो मेरे लिए सही है। वैसे बहुत जी लिया अक्षरा सिंह आपने पवन सिंह के लिए। इस तरह से आपने अपने इंटरव्यूज में पवन सिंह के बारे में बताया है, पवन सिंह के लोगों के बारे में बताया है, उसे सुनकर तो यही लगता है कि अब अक्षरा सिंह अपने लिए जी रही हैं, अपनी खातिर जी रही हैं। और वैसे भी गलत नहीं है अपने लिए और अपनी खातिर जीना। जिंदगी वो क्या जहां आप दूसरों के लिए जिए, पहले अब। वैसे अक्षरा और पवन के विवाद में अक्षरा को भी बड़ी तोहमतें झेलनी पड़ी, फिर वो चाहे पवन सिंह की फैन फॉलोइंग हो। भर भर कर अक्षरा सिंह के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन शायद अब अक्षरा सिंह न किसी का सुनना चाहती हैं और न किसी को सुनाना चाहती हैं। वैसे भी एक्सप्लेनेशन हमेशा उसी को देनी चाहिए जो देने लायक हो। आप उसे ही एक्सप्लेनेशन दीजिए, न कि सभी को। ये सारी चीज़ें सोचकर अक्षरा सिंह ने लोगों से दूरियां बरती होंगी कि भाई, न मुझे किसी का सुनना है और न किसी को सुनाना है। वैसे भी आजकल अक्षरा सिंह को देखा जाए तो अपने राह पर वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। वो फिल्में भी कर रही हैं, वो स्टेज शो भी कर रही हैं, और वो अपने एल्बम भी ला रही हैं। भाई, उनके एल्बम्स के व्यूज़ भी बड़े अच्छे खासे उठते हैं। अब ये बात बताइए कि वो उस औरत को किसकी ज़रूरत। वैसे भी अक्षरा सिंह के पास उनका माध्यम है सोशल मीडिया। वो फेसबुक पर आकर लोगों के सामने लाइव आ सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं, कह सकती हैं। और रही बात हाँ मीडिया की, तो मीडिया और एक्टर का जो रिश्ता होता है वो चोली और दामन का होता है। वो एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त और दुश्मन होते हैं। तो भाई, अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि अक्षरा मीडिया में किसी के डर के कारण नहीं आ रही हैं, तो वो अपना डर अपने पास रख ले, क्योंकि ऐसा तो ये हम मान ही नहीं सकते कि जो औरत अकेले खड़ी हो गई पवन सिंह के खिलाफ, वो किसी से क्या डरेगी। वैसे इतना कुछ करने के बाद हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हम अक्षरा सिंह का पेड प्रमोशन कर रहे हैं या अक्षरा सिंह ने हमसे कुछ कहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अक्षरा सिंह का हम कोई पेड प्रमोशन कर रहे हैं। जो जैसा है वैसा बोलने में अब डर कैसा। वैसे जब अक्षरा को लगेगा कि उन्हें मीडिया के सामने आना है तो आएंगी तो ज़रूर, क्योंकि भाई अक्षरा ने किया ही क्या है। उन्होंने तो विवाद में अपना पक्ष रखा और सामने वाले ने तो वो भी नहीं रखा। खैर, भोजपुरी की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।